नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर। देश के सभी राज्यों के मौसम की पल पल की खबरें पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बंगाल की खाड़ी में उठा भयंकर तूफान, अगले दो दिनों तक देश के कई राज्यों में होगी भारी बारिश। जी हां, मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मॉनसून की तरफ रेखा उत्तर पूर्व और उससे सटे उत्तर पश्चिमी अरब सागर पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र से होते हुए बीकानेर, ग्वालियर, सतना, अंबिकापुर, जमशेदपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर कम दबाव के क्षेत्र की ओर जा रही है। एक नया तूफान सक्रिय हो सकता है जिसकी वजह से 20 अगस्त तक कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, झारखंड के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम के साथ कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। तो 18 अगस्त तक देश के कई राज्यों में तूफान आने की संभावना जाहिर की गई है। आपके राज्य का मौसम आज कैसा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।